तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है कि स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाते हैं वो बार बार हिट क्यों हो जाता है और क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है और अगर लगाते हैं तो बार बार हम लोगों का पोजीशन जो है वो कट जाता है और उसके बाद स्टॉक या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर जो भी है वो हमारे ही डायरेक्शन में जाता है। तो क्या ऐसा इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है या फिर इसे हम कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं ताकि हम लोगों का स्टॉप लॉस भी लगा ले, रिस्क को मैनेज भी कर ले और स्टॉप लॉस हिट भी ना हो। तो देखिए, होता यह है कि स्टॉप लॉस क्या है वो तो हम लोग सब जान रहे हैं, पर इसका यूज क्यों हो रहा है वो हम लोग डीपली नहीं समझ रहे हैं। देखिए, स्टॉप लॉस जो है ना वो आपको एक्सीडेंटल नुकसान से बचाने के लिए है, आपके रिस्क को डिफाइन करने के लिए है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप एक्सेप्ट करोगे कि आप रॉन्ग प्रूव हो चुके हो, कि आपका ट्रेड जो एंटिसिपेट करके आपने ट्रेड में एंटर किया था वो अब वैलिड नहीं रहा। उस पॉइंट पे आपने एक स्टॉप लॉस लगाया। मान लो आपने 500 का एक स्टॉक खरीदा और 496 वो पॉइंट है जहां पे अगर स्टॉक टच करेगा, देखो आपने एनालिसिस किया है तो आपको पता है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा अगर बाय किया है, उसके बावजूद आपने स्टॉप लॉस लगाया ताकि अगर 496 टच करता है तो इसका मतलब है कि जो मैंने एंटिसिपेशन रखा था मार्केट में कि अब ये ऊपर जाएगा, एनालिसिस था, ब्रेकआउट था, व्हाटएवर, वो अब वैलिड नहीं रहा है। अब वहां से जो है ये लॉस दे सकता है, बड़ा नुकसान दे सकता है। तो आपने अपने लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टॉप लॉस को यूज किया। और दूसरा जो है वो एक्सीडेंटल नुकसान से बचने के लिए होता है, क्योंकि आप कई बार देखते हो कि आप स्टॉप लॉस अगर नहीं भी लगाते होगे, आप सोच के रखे हो कि 500, 1000, 2000 का रिस्क मैं ले रहा हूं और 500, 2000 मान लो आपका नुकसान हो गया तो आपने खुद ही मैनुअल एग्जिट कर दिए। बट कभी कभी क्या होता है कि सडन मूवमेंट एक्सीडेंटली आपका बड़ा नुकसान करा सकता है। अगर आपने कभी भी स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है तो आपको ये चीज पता होगा, अचानक से कभी कभी ऐसा मूव आ जाता है, वाइल्ड मूव आ जाता है जो कि बहुत बड़ा आपके प्रोपोजिशन को डैमेज कर सकता है, आपके फंड को डैमेज कर सकता है। मैं इसे अपने फेवर में, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि केवल 43 सेकंड में मेरा 167 का ऑप्शन 397 स्क्वायर ऑफ हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 47 अगर मिला स्क्रीनशॉट तो मैं लगा दूंगा, वो लिया था मैंने 46 सेकंड में, वो ट्रेड चला था। सोचो किस टाइप का ब्रेकडाउन था, मतलब 400-300 पॉइंट का एक सेकंड में ब्रेकडाउन हो गया था, एक मिनट में। तो उस टाइप के एक्सीडेंटल नुकसान से आप बचने के लिए भी स्टॉप लॉस लगाते हो ताकि कंट्रोल आपके हाथ में ना हो, कंट्रोल सिस्टम के हाथ में हो। तीसरा क्या है, डिसिप्लिन को लाने के लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो कि ट्रेड में जो है मेरा डिसिप्लिन मैनेज रहे, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है स्टॉक मार्केट में, कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, बस आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है लॉस। लॉस कितना हो सकता है ये आपके हाथ में है। तो लॉस को डिफाइन करने के लिए, रिस्क को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। अब ये तीन पॉइंट तो हम लोग समझ गए कि स्टॉप लॉस का यूज क्यों होता है, पर अब क्या हुआ है कि पूरा डिजिटल वर्ल्ड में हाइप मचा हुआ है, यूट्यूब में हो, टेलीग्राम में हो, तो स्टॉप लॉस एक टर्म बन चुका है कि स्टॉप लॉस यूज करना है तभी आप स्मार्ट हो। ठीक, स्टॉप लॉस यूज करना है, करना ही चाहिए, लेकिन इससे क्या हुआ है कि बहुत लोग इसके फंडामेंटली इसको समझते नहीं है इसको ढंग से, और डायरेक्टली जो है कुछ भी और कोई सा भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो देखिए, इसका प्रॉपर जो है वो रूल है जिसके थ्रू आप स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये बेटर काम करेगा। अगर आप कोई भी बिना लॉजिक का स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो स्टॉक आपको स्टॉप लॉस हंट कर ही देगा, आप बाहर हो ही जाओगे। तो क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले बात तो आपको डिसिप्लिन लाने के लिए, एक्सीडेंटल नुकसान से बचने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस को यूज करना है, ये अपने माइंड में रख दो, वाई को क्लियर करो। अब देखो, आपका स्टॉप लॉस हंट इसीलिए होता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं है, आपको इसके लिए एक लॉजिकल एंट्री भी लेना होगा तभी आप एक लॉजिकल स्टॉप लॉस ले सकते हो। मैं जाऊंगा, मान लो 12 बजे स्टॉक खोला, कोई भी रैंडम एबीसीडी स्टॉक खोल लिया और जाके बाय कर लिया, कोई भी स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ना वो लॉजिकल एंट्री है तो उसमें लॉजिकल स्टॉप लॉस लगेगा भी नहीं, और होगा तो पता चला बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। मान लो अगर मैं देख के लेता तो वहां पे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता, बट अब वहां पे लॉजिकली वहां पे 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है और मुझे लेना पड़ेगा, तो वो क्या हुआ, वो लॉजिकल एंट्री ही नहीं लिया आपने। तो सबसे पहले तो आपको एक लॉजिकल एंट्री लेना होगा क्योंकि स्टॉप लॉस एंट्री के साथ ही आता है, या कह सकते हैं कि आप एक अच्छा ट्रेडर पहले स्टॉप लॉस ढूंढता है फिर एंट्री लेता है, ये नहीं कि पहले एंट्री लिया फिर स्टॉप लॉस लगाया, आपको स्टॉप लॉस पहले ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, 4 पॉइंट का रिस्क है, या फिर बैंक निफ्टी में मान लो आप फ्यूचर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का रिस्क दिखा तब आप एंट्री कर रहे हो, ना कि आप पहले एंट्री करो और उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओ, ये तरीका गलत है। पहले आप स्टॉप लॉस ढूंढो। आज के जमाने का अगर ट्रेडिंग को डिफाइन किया जाए तो आज का जमाने में जो ट्रेडिंग है वो यही है कि आप रिस्क को देखते हुए, रिवॉर्ड को देखते हुए आप तब एंट्री लो कि हाँ 50 पॉइंट का रिस्क है, 150-200 पॉइंट का इसमें टारगेट मिल सकता है, तब आप जाके ट्रेड लो। अगर आप बिना स्टॉप लॉस को देखे एंट्री करोगे फिर स्टॉप लॉस लगाओगे तो एक तो बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा कितना लेके निकलना है कितना, तो आपको नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में। तो आपको स्टॉप लॉस को पहले देखना है ना कि बाद में, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट देखो, अगर आपको अभी बिगनर हो, अभी आप बढ़िया स्टॉप लॉस नहीं एरिया डिफाइन कर पाते हो, मेरा एक बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी मैंने दिया है, आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस आप कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम तो ये करो कि आप पोजीशन साइज को कम करो। मान लो आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज है, आप 2,000 का रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन होता क्या है ना कि 2,000 का रिस्क तो आप लेना चाह रहे हो पर क्वांटिटी आप ले लेते हो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उस रिस्क को लेने के लिए क्या करते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस देते हो। लेकिन मिस्टेक यहाँ ये हो जा रहा है कि आप डायरेक्टली अपने अनुसार स्टॉप लॉस को बना लिए कि मुझे 2,000 का रिस्क लेना है, 1,000 क्वांटिटी ले लिया और 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया, जो कि आपका वॉलेटिलिटी में ही हिट हो जाएगा, तो आप स्टॉक मार्केट में नुकसान देने के लिए आए हो। उससे बेटर है कि आप 500 क्वांटिटी लो और देखो एक वाइड स्टॉप लॉस एरिया देखो, आपको बाहर नहीं होना है, स्टॉप लॉस आपको नुकसान से बचाने के लिए, ना कि आप एकदम लिमिट वाला नुकसान एकदम गिन गिन कर नुकसान आप मार्केट को दो। उसके बाद चलो आपको मैं प्रो टिप देता हूं जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आप क्या करो ना, मान लो आपको छोटा स्टॉप लॉस ही रखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप कम क्वांटिटी के साथ पहली बात तो ट्रेड लो, क्योंकि बड़ा लोगे तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, आपको खुद ही डर में रहोगे कि नहीं बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा, तो पहले तो छोटा क्वांटिटी लो, ठीक है, बाद में पिरामिड कर लेना अपने पोजीशन में जब जाएगा, तो छोटा क्वांटिटी लो और एक वाइड स्टॉप लॉस यूज़ करो। मान लो अगर 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कितना है, आपने टाटा मोटर को 500 में बाय किया, आप नॉर्मली जाके 498 का स्टॉप लॉस लगाने वाले थे और आपको पता है कि हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उस जगह पे आप 495 का स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, आपको ही पता तुरंत हिट नहीं होगा, और हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या करोगे, एडवांटेज भी तो मिलेगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको टारगेट मिलेगा आपका, तो आप एक वाइड स्टॉप लॉस लगा दो। और उसके बाद जेन्युइन स्टॉप लॉस आपको कैसे मिल सकता है मैं बताता हूँ। जैसे स्टॉक अगर डायरेक्टली 500 से 500 1, 2, 3, 4 ऊपर जाए तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है, और अगर स्टॉप आपका स्टॉक 500 से मान लो 497.5 आके अगर वापस से वो 500 टच कर रहा है, जहाँ से वो मुड़े, जो स्विंग बना, मान लो 500 से 497.5 आके वापस वो मुड़ गया, अब आपके पास एक स्टॉप लॉस एरिया मिल चुका है, जाओ जाके 497.4 का स्टॉप लॉस आप मार्केट में अपना मॉडिफाई कर दो। इससे क्या हुआ कि अब वापस अगर उसको जाना है ना तो वो वापस से 497.5 नहीं आएगा, अब वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये तरीका है स्टॉप लॉस, अगर आपको नहीं पता एज अ बिगनर आप कैसे यूज कर सकते हो। ऐसे तो मेरा आपको जो सलाह रहेगा तो वो यही रहेगा कि आप स्टॉप लॉस देख के ही ट्रेड लो, यही तरीका है ट्रेडिंग करने का। दूसरा चीज़ क्या, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर से आप किसी के भी वीडियोस देख लो, किसी के भी बुक्स पढ़ लो, आपको पता है वो सबसे पहले क्या देखते हैं, रिस्क। रिस्क कहाँ से दिखेगा आपको, स्टॉप लॉस से दिखेगा कि ये स्टॉप लॉस है, ये रिस्क है, 2-3 जगह जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना आपको बेवकूफ़ी बन सकता है। समझ लो अगर आप एक्सपायरी के दिन 10 रुपया 5 रुपया वाला ऑप्शन बाय करते हो और आप सोचोगे कि मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा दूंगा 2 रुपये का, मत बचाओ 2 रुपये, क्वांटिटी कम बाय कर लो, क्योंकि मान लो कि मैं 10 रुपये का ऑप्शन अगर आके 3 रुपये से आ गया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस से वो 300 गया, जा ही सकता है, इतना अफसोस होगा, मेंटली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पूरा। उससे बेटर है कि आप छोड़ दो, मतलब 500 क्वांटिटी की जगह मैं 300 बाय करूंगा बट स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, जाएगा तो जाएगा, हो सकता है आपको इससे बेटर एग्जिट मिले, आप देख लोगे कि नहीं अब मार्केट में मैं जो एंटिसिपेट कर रहा था वो नहीं है, तो आप 3 के जगह हो सकता है 7 पे निकलो, तो ये आपके लिए बेटर होगा। कुछ ऐसा जगह जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो इंट्राडे में भी तो आपको स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, 85-87 का ऑप्शन था मेरा जो कि 113-114 का स्टॉप लॉस था, मैंने वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, मैं सोचा निकल जाऊंगा, वापस से वो 150 गया, 160 गया, फाइनली मैंने 170 में उसको कवर कर लिया था, लेकिन पता है अगर मैंने वो स्टॉप लॉस उस दिन कवर नहीं किया होता तो मुझे कितना नुकसान होता, वो ऑप्शन 1200 में जाके क्लोज हुआ था, 1200 में, मार्च 2020 का बात है। तो ये सब मिस्टेक्स आपको बर्बाद कर सकता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, हो सकता है आपको 10 दिन प्रॉफिट हो जाए, 10 में से 9 दिन प्रॉफिट हो जाए, पर एक दिन जो नुकसान होगा वो 10 दिन को जोड़ के प्लस उसको मान लो डबल भी कर दो उससे ज़्यादा हो जाएगा नुकसान, तो फिर फायदा क्या हुआ। उससे बेटर है कि आप रिस्क मैनेज करो, थोड़ा सा आपका विन रेशियो घटेगा बट आप डिसिप्लिन रहो। स्टॉप लॉस पे एक ऑलरेडी वीडियो है स्ट्रेटजी पे, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में जबरदस्त काम करता है मार्केट में, आप देख लो, आपको अभी तक उससे अच्छा स्ट्रेटजी अगर कहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। 1:10, 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और हर 5-4 दिन में वो ट्रेड आपको मिल ही जाएगा, तो वो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इस तरह के बहुत जबरदस्त कंटेंट अभी इस चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।